एयरपोर्ट पे गया, बम्बई जाना था, एयरपोर्ट पे गया। मैंने कहा भैया बम्बई का कितना भाड़ा है? बोले 5,000 रुपये की टिकट है, 20 किलो सामान फ्री है। मैंने कहा बन गई बात। बोले कैसे? मको मेरे को तो सामान में ही घेर ले चलो। नो 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 डॉक्टर साहब पशुओं के डॉक्टर हैं। हाँ, और ज्यादातर सारी डॉक्टर साहब ने अपनी जितनी सेवाएं की अपनी ससुराल की तरफ की। हाँ, अच्छा वो किसी की भैंस बीमार हो जाती तो दो भैंसे आपस में बतलाती, ये बहन जी क्या हो गया, ये बुखार चढ़ गया, अ तो बुला ले जमाई को। हाँ, अच्छा दो कटड़े भी आपस में बात कर रहे थे, भाई तेरे क्या हो गया, दूसरा कटड़ा बोला यार मेरे पेट में दर्द है, न बोला फिर फूफा ना बुला ले। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं। हाँ वीणा बहन जी मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ, माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ और मंच के सरपंच को भी प्रणाम करता। बहुत अच्छा मेरा परिचय दिया, अभी विकास भाई साहब को बताया, बहुत पुरस्कार मिले हुए हैं, अभी 2-3 पुरस्कार तो मेरे को कल ही मिले हैं साहब। हाँ अच्छा देने वाली पत्नी थी, हाँ कह रही थी रहने दो ये पुरस्कार कल ही मिला, तुम किसी काम के नहीं हो। अच्छा आप तो ऐसे हंस रहे हैं जैसे आपको भी मिल चुका है क्या? पता नहीं कहाँ से मेरे भाग में लिखी गई, ये पुरस्कार परसों मिला था। अच्छा ये बहन जी आ सरिये, मेरे ख्याल माँ आपने भी 2-3 बार दे दिया ये। हाँ। नहीं बड़ा अच्छा है माहौल। अब विकास यश कीर्ति जी ने कुछ ऐसे गीत सुनाए, जैसे ये मेरे को बता रहा था, ने बोला जब भी मेरा एक प्रेम असफल होता है मैं एक गजल लिख लेता हूँ। मगर कितनी कहोगी? ने बोला 10-15 तो होगी। बहुत अच्छे हैं। अच्छा मैं जहाँ से शुरू करता हूँ वहीं से शुरू कर रहा हूँ कि मैं हरियाणा में ऐसा मास्टर मैं ही हूँ जिका मास है ही नहीं। मैं तो खाली पीली का जो बात में वो ट्र बचता ना ट्र, मैं तो वो ट्र हूँ। चंडीगढ़ कवि सम्मेलन में गया, एक सरदार जी मिल गए, पूछने लगे मुंडा तू क्या करता है? मैंने कहा जी मैं अध्यापक हूँ। बोले अध्यापक तो नहीं लगता, मैं क्या लगता हूँ? न बोला तू अध पका लगता है। बिल्कुल। अच्छा वीडियो बनाया, अभी बहन जी ने बताया मैं कई जगह गया, एयरपोर्ट पे गया, बम्बई जाना था, एयरपोर्ट पे गया। मैंने कहा भैया बम्बई का कितना भाड़ा है? बोले 5,000 रुपये की टिकट है, 20 किलो सामान फ्री है। मैंने कहा बन गई बात। बोले कैसे? मको मेरे को तो सामान में ही घेर ले चलो। क्योंकि बहुत अब ये शरीर है ये क्या काम आएगा? मेरे से कमजोर आदमी आपने कहीं देखा है? नहीं देखा, देखना भी मत, नहीं तो मेरी वैल्यू कम हो जाएगी। हाँ नहीं अभी पिछले दिनों चमनप्रास की कंपनी वाले मेरे घर आ गए थे, कहने लगे मास्टर जी चमनप्रास की ऐड कर दो, हमारा चमनप्रास खूब बिकेगा। मैंने कहा भैया मुझे करना क्या है? बोले आपको कुछ नहीं करना, हम आपका फोटो खींचेंगे, हर एक चमनप्रास के डिब्बे पर चेप देंगे, नीचे लिख देंगे चमनप्रास नहीं खाया था, ऐसे हो जाओगे। अच्छा ये विकास यश कीर्ति का तो गला बहुत अच्छा है, हमारे पास तो छोटी सी गली है। हाँ हाँ नहीं इनके पास एक हारमोनियम भी है, एक दिन ये रात को लग रहे पीपल की डाली कोयलिया ना बैठे, पीपल की डाली हाँ डाली कोयलिया ना बैठे, ना बैठे ना बैठे कोयलिया ना बैठे। अब सुबेरे के 4 बजा दिए, 3-4 पड़ोसी लठ लेके आ गए, नु बोला रहे या पीपल की डाली पर नहीं बैठती तो नीम वाली पे बिठा ले, परीब काने इसने तार ले ना तो यो लठ दिखे है। तो ये गाने वाले बड़े कमाल के होते। अगले दिन हारमोनियम को लेके कबाड़ी का चला गया, बोला भाई साहब ये बेचना है। कबाड़ी ने बोला मैं तो इसके 50 रुपये दूंगा। बोला रहने दे पड़ोसी बंद रखने के 200 रुपये महीना देते हैं। कमाल के। और सबसे बड़ी बात तो देखो अनिल जी कहाँ गए, श्रीवास्तव जी। हाँ देखिए श्रीवास्तव श्री श्रीवास्तव और श्रीमती जी के साथ आए हैं, 3 श्री हो गए अगले के साथ, लेकिन कितने
मतलब बोल्ड हैं, पत्नी के सामने इतना बोल गया। देखो इनके लिए तालियां होनी चाहिए। दूसरी का आगत हम भी बोल लिया हाँ, पर अपनी आगत मारता नहीं बोलिया सब। हाँ नहीं, वाकई जो ना बहुत हुए लक्ष्मी शंकर जी, मेरे को तो ये नाम में थोड़ा डाउट होता है यार। लक्ष्मी के साथ तो पार्वती होती है, शंकर पता नहीं कहाँ से आ गए। हाँ लेकिन इतने बड़े, बहुत बड़े गजलकार हैं साहब, इतने बड़े, मैं इनको बहुत बड़ा गजलकार मानता हूँ, क्योंकि दूसरा मेरे को कोई मिला ही नहीं अभी। हाँ अच्छा, एक दिन मेरी पत्नी मेरा हाथ पकड़ के विधवा पेंशन कार्यालय में ले गई और ले जाके बोली जी मेरी विधवा पेंशन करो। उन्होंने बोले जिसका हाथ पकड़ रही है कौन है? बोले ये मेरा पति है। बोले ये जीवित रहा? बोले तुम्हें ये जीवित दिखाई देता है? एक अधिकारी से गलती से मुंह से निकल गया, वैसे आध मरिया है नुबली, फिर आधी विधवा पेंशन कर दो। अच्छा फिर वो दो चार महीने में मेरा कुछ नहीं होया, आधी विधवा पेंशन ले रही थी, फिर एक दिन बड़ी खुश हुई, बोली अखबार में बहुत अच्छी खबर आई है। मैं क्या आई है? बोली सरकार ने अब विधवा पेंशन 2000 रुपये कर दी। मैं इसमें खुश होने की क्या बात है? नो बोली मुझे तो ऐसा लगता है महीने दो महीने भी बिकाने मेरी हो जाके। नहीं वो कभी भी निमटा सकती है, किसी को भी निमटा सकती है। अच्छा बहन जी, एक दिन वो पुलिस वाले मेरे से बोले, भाई मारे लिए भी दो चार लाइनें लिखी है आपने? मैंने लिखी है भाई, ये हेलमेट वालों के लिए मैंने, तो मैंने एक चार लाइन मेरे बैठे बैठे दिमाग में आई थी, वो आपको जरूर सुना के जाऊंगा कि कछुआ 300 साल जीता है, कछुआ 300 साल जीता है और खारा पानी पीता है, और खारा पानी पीता है और हर परिस्थिति में अपने आप को सेट रखता है, ससुरा जन्म से ईश्वर पे हेलमेट रखता है। क्योंकि हरियाणा का आदमी सब हरियाणा में हर जगह हास्य बिखरा पड़ा। वो एक बच्चा जोड़ में गिर गया, उसको बचाने के लिए कई देर शोर मचाया, कोई नहीं कूदा, तो एक आदमी गया कूद के उसको बचा के लिया, तो आदमी उसको शाबाशी देने लगे, भाई बहुत अच्छा काम किया आपने, इस बच्चे को बचा लिया। न बोला क्या बचा लाया, पहले तो ये बताओ मेरे को धक्का किसने दिया था? और न बोला धक्का दिया तो वो तो ठीक था, अगर इस लड़के को तैरना नहीं आता तो आज मेरा क्या होता है? तो हरियाणा का आदमी साहब इतना गजब। हरियाणा में शेर व शायरी और भी गजब की होती है। हरियाणा का एक आदमी बस में बैठा हुआ जा रहा था, वहां पर एक शायर भी बैठा था। अब वो शायर शायरी कर रहा है कि ये जमी बेच दू, आसमां बेच दू, तेरे प्यार में सारा जहां बेच दू। अब हरियाणा का आदमी इतनी बात सुन के गुस्से में आ गया, उस शायर का गला पकड़ लिया, ने बोला ये जमीन आसमान तेरे बाप की है, हम सभी रहते हैं इसमें, तू अकेला प्यार कर रहा, सबकी जमीन बेचने लग रहा, सबका आसमान बेचने लग रहा। तो शायर ने बोला चोरी साहब शेर ऐसे बनते हैं? ने बोला शेर ऐसे भी बनते हैं जिनमें घर की चीज बिकती है। बोला तो सुनाओ। ने बोला फिर मेरा शेर सुन। ने बोला अपनी भैंस बेच दूं और अपनी गाय बेच दूं और तेरे प्यार में पप्पू की माँ बेच दूं। ने बोला बता इसमें कोई बाहर की चीज बिकी? तो हरियाणा का आदमी तो हर जगह गजब है। वो ताऊ खड़ा दिल्ली में हरियाणा का, एक रिक्शा वाला आया, एक सवारी बिठा रहा। ने बोला ताऊ ये कुतुब मीनार किस ओर पड़ेगी? अब पूछने का ढंग ही ऐसा अगले का। ने बोला ताऊ ये कुतुब मीनार किस ओर पड़ेगी? ताऊ ने बोला तू गेरना किंग इंसा हुआ है। तो हरियाणा का आदमी जैसा पूछा जाएगा वैसा ही बताएगा। हरियाणा प्रदेश मस्ती का प्रदेश है। हरियाणा का एक ताऊ आया, 500 रुपये लेके आया, अपनी लुगाई तो देखे। ने बोला ये भीतर दर्द। बोले कहां से ले आया? बोला शरत जीत के आया हूं। बोला क्या शरत थी? बोला ये शरत थी दौड़ दो पांच होते हैं। बोले दौड़ दो पांच तो नहीं होते, शरत किससे लगा ली? बोले तेरे भाई से लगाई थी। बोली जब दौड़ दो तो चार होते हैं? बोला नहीं पांच होते हैं। उन्होंने बोली नहीं नहीं चार होते हैं, तू शरत हार रहा है। बोला नहीं मैं जीत के आया हूं, ये 500 रुपये रहे। उन्होंने बोली नहीं तुम तो हारे, दौड़ दो तो चार होते हैं। फिर उन्होंने बोला दौड़ दो पांच होते हैं। उसने दो तीन बे कही लुगाई मना करती रही, वो लठ ले आया के और उस लुगाई का चार पांच लठ मारे। वो डर तीन बोली दौड़ दो पांच हो है। बोला नहीं तेरा भाई मान्या था। किसी भी परिस्थिति में हरियाणा का आदमी अपनी बात मनवा लेता है। अब ये प्यार प्रेम की बात कर रहे थे,
मैंने भी प्यार किया था लेकिन दो ही पंक्तियों का प्यार था मेरा। पीछे तेन कहा ओहो हो हो हो, मैंने तेरे चार फोटो खींचे थे जब तू बोल रहा था जब, ठीक है मैंने तीन पे पाचन देख लिया, एक ने भी फोटो नहीं खींचा अब तक। हाँ ये भाई साहब अकेला लग रहा है, जब का दुखी हो रहा है, एक भी फोटो नहीं आया। अरे मेरा तो रंगीन कैमरे पे भी एक्सरे आवा है। हाँ कल से अपनी रेडी लगा लिए। हाँ क्योंकि कैमरे वाले कमाल होते हैं लेकिन बेइज्जती भी यही करवाते हैं, क्योंकि एक तो कैमरामैन बनता वो है जो बचपन से ही दूसरों के घरों में ताक झांक रखा। लेकिन ये भाई डिप्लोमा होल्डर है, लेकिन ये कैमरे वाले बेइज्जती करवाते हैं। इनके लिए तालियां तो वैसे बजनी चाहिए, चाहे एल्बम हो शादी की, चाहे जन्मदिन की, चाहे गोद भराई की, चाहे मांग भराई की, चाहे और कौन सी भी, मतलब जितनी भी एल्बम बनाते हैं यही बना के देते हैं, हमारी यादों को सहेज के रखते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन कई बार बेइज्जती करवाते हैं। वो बच्चा अपने मम्मी पापा की शादी के एल्बम उठा लिया, उसने पहला पेज खोला, एकदम मुस्कुराया, बोला मम्मी पहचान लिया ये तो तुम हो। बोले हाँ बेटा, पर ये तुम्हारे पास लंबे लंबे बालों वाला आदमी कौन बैठा? बोली बेटा पहचाना नहीं। बोला नहीं, ये तुम्हारे पापा है? बोला ये मेरा पापा है, तो ये घर में गंजा सा आदमी कौन रहा? तो ऐसी ऐसी बात होती है सर। आप आपको प्रणाम करता हूँ। हाँ अच्छा अच्छा, देखो आप मेरा फोटो खींचा है। हाँ अच्छा, मेरी बात नहीं सुनी, मेरा फोटो खींच के यो के करेगा? दिन में अपने बालकन डरावगा, रात में खुद डरागा। हाँ क्योंकि ऐसा फोटो मेरा आता ही नहीं। बहन जी मैं एक रचना सुना के बैठ जाना। हाँ क्योंकि टीम हमारी लंबी है। हाँ एक भाई, एक बार बिड़ा लेना चाहिए। हाँ मॉडलिंग हो रही है, मॉडलिंग। हाँ अरे खाली प्लेट ले आया है भाई, क्योंकि डर तो लाता है। बहुत अच्छा अच्छा, इधर विद्यार्थी जी बैठे, देखो अभी वीणा जी कह रही थी 20 सालों से मंच पे हैं। अरे 20 साल तो मेरी उम्र हुई है। विद्यार्थी कृष्ण गोपाल विद्यार्थी और यो मास्टर, कितना अच्छा है। और मैं एक बात हर मंच से कहता हूँ, सबसे पहले मंच मेरे को कृष्ण गोपाल विद्यार्थी जी ने दिया था। एक बार विद्यार्थी जी के लिए तालियां बजा दो। हाँ बहुत अच्छे हैं, आदमी कहने की तो जरूरत नहीं होगी ना। कई बार बोलते समय उनको बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन बहुत अच्छे इंसान हैं। इन्होंने मेरे को मंच दिया। मैं आपको एक कविता सुना रहा हूँ, मेरी जो कविता है वो है प्रेम पत्र बनाम एप्लीकेशन। हाँ बहन जी ऐसा होता है, वो एक लड़की आई, बोला पापा। हाँ एक लड़का कहता है पीछे से आके आई लव यू, आई लव यू। अब उसका पापा बोला बेटी मेरा कहा मान, उसके साथ शादी कर ले, अगर जिंदगी में एक बार भी कह दे आई लव यू तो मेरा नाम बदल दिए। तो ऐसा ऐसा होता है। तो एक प्रेम पत्र बनाम एप्लीकेशन, एक कविता कि एक नौवीं क्लास के छोरे ने दसवीं की छोरी तो प्रेम पत्र पकड़ा दिया, और छोरी ने छोरा उड़े खड़िया खड़िया थपड़ा दिया। ऐसा हरियाणा में होता है। एक नौवीं क्लास के छोरे ने दसवीं की छोरी तो प्रेम पत्र पकड़ा दिया, छोरी ने छोरा उड़े खड़िया खड़िया थपड़ा दिया, फिर वो प्रेम पत्र और वो छोरा लेके पीटीआई मास्टर को पकड़ा दिया। अब तो पीटीआई मास्टर को बड़ा गुस्सा आया, लड़के को जोर से धमकाया, पर जब प्रेम पत्र खोल के पढ़ा तो मन मन मुस्काया। नुबले ये छोरी देखते ने खाम खाई छोरे की घंटी ले रखी से, बेचारे ने तेरे ते फीस माफी की एप्लीकेशन दे रखी से। यह सुनते छोरा घबराया, उसका एकदम पसीना आया, नुबला जीव तो और बिचाला पाटेगा कि मैंने हेडमास्टर काटेगा। इब तो ऐसा लागे से मेरा कार्ड आ लिया, जब फीस माफी की एप्लीकेशन या ले रही से तो प्रेम पत्र हेडमास्टर दौरे जा लिया। हेडमास्टर ने भी जो मनाई कर दी, उस छोरे की घनी कुटाई कर दी। नुबला नालायक तने खसना था तो किसी और गला खस लेता, स्कूल में घने मास्टर बहन जी से तो हेडमास्टर ने तो बख्श देता। यह सुनकर छोरा अकड़ के खड़ा हो गया, हेडमास्टर की बैत पकड़ के खड़ा हो गया। हेडमास्टर बोला बाकड़े से मेरी बैत ने पकड़े है। छोरा जोड़ के नहीं बोलिया जी मैं इस कारण आपकी बैत के चिपट रहा हूँ, प्रेम पत्र पर तो दुनिया ही पिटती देखी, आज मैं तो एप्लीकेशन पर पिट रहा हूँ, मैं तो एप्लीकेशन पर पिट रहा हूँ, मैं तो एप्लीकेशन। और तीन लाइनों में मैं बता रहा हूँ आपको देश का हालात। वो मैं मोहब्बत की बात कर रहा था दो लाइनों में, कि मेरी मोहब्बत का सफ़र। सर आपके साथ अगर सेट यही कहानी बनती हो तो आप तालियां बजाना,
मेरी मोहब्बत का सफर यूं खत्म हुआ जमाने में, वो ससुराल में चली गई मैं पागल खाने में। Oh,